से सुर्खियों में रहने वाले सपा पूर्व विधायक जमीरुल्ला खान ने मंगलवार को राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर एक बड़ा बयान दे डाला। पूर्व विधायक ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी पूर्व सीएम बाबूजी स्वर्गीय कल्याण सिंह ने दी थी। उनके योगदान को देखते हुए राम मंदिर का उद्घाटन उनकी पत्नी के हाथों कराया जाना चाहिए। दरअसल अलीगढ़ के सपा पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्ला ने राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर सवाल उठाया है। पूर्व विधायक ने कहा कि पूर्व सीएम स्वर्गीय कल्याण सिंह बाबूजी ने राम मंदिर के लिए त्याग किया था और अपनी कुर्सी को लात मारकर एक दिन के लिए जेल गए थे। त्याग जब बाबूजी ने किया था तो राम मंदिर का उद्घाटन उनकी पत्नी के हाथों कराया जाना चाहिए। राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और राम मंदिर का उद्घाटन जब होने जा रहा है तो मेरा कहना यह है कि राम मंदिर का उद्घाटन बाबूजी कल्याण सिंह जी की पत्नी से कराना चाहिए, क्योंकि बाबूजी कल्याण सिंह जी को इस मैटर में एक दिन की सजा हुई थी। जब सजा उनको हुई है तो श्रेय भी उनको जाना चाहिए। उनकी पत्नी अभी हयात है, जिंदा है, लिहाजा उनकी पत्नी से कराकर उद्घाटन उन पर जो एक कलंक लगा हुआ है कि एक सजा याफ्ता की पत्नी वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब सजा की उन्होंने वो भुगती है तो श्रेय भी उनको मिलना चाहिए। किस तरह की सजा होती है? एक दिन की सजा हुई थी कल्याण सिंह जी को, उन्होंने अपनी अपने कुर्सी पर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर लात मारी थी, कोई और किसी और ने नहीं मारा था, सिर्फ अकेले हुए थे। पूरे भारत के अंदर कोई नेता ऐसा नहीं है, सबने उनको बल्ली का बकरा बनाकर ये गेम खेला था ताकि वो प्राइम मिनिस्टर की लीड से हट जाए। पूर्व विधायक ने कहा कि सभी ने पूर्व सीएम स्वर्गीय कल्याण सिंह बाबूजी को बली का बकरा बनाकर गेम खेला था जिससे वो प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट से हट जाए, जबकि बाबूजी जैसा त्याग किसी राजनेता ने नहीं किया। मैं राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और महासचिव चंपत राय से अपील करूंगा, उनको लेटर भी लिखूंगा, कहूंगा कि मंदिर का शुभारंभ किसी राजनीतिक पार्टी के बैनर तले न कराकर कल्याण सिंह की पत्नी से कराया जाए। राम मंदिर के शिलान्यास में भी बाबूजी की पत्नी को नहीं बुलाया गया। जो राम मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास जी से अपील करूंगा और उनको लेटर भी लिखूंगा कि इसका राम मंदिर का उद्घाटन बाबूजी कल्याण सिंह जी की पत्नी से कराना चाहिए। पत्र लिखेंगे आप? हाँ बिल्कुल लिखेंगे, कल लिखेंगे। उनको तो शिलान्यास तक पे नहीं मिलाया, उनको शिलान्यास पर नहीं मिलाया, जब ही तो बेचारी बेवा हो गई। जिस दिन जब से शिलान्यास पर नहीं बुलाया उसी दिन से वो बीमार पड़ गए, फिर उठे नहीं, फिर दुनिया चली गई, उठी गई दुनिया से। जानबूझकर ऐसा किया कि उनको शिलान्यास पर भी नहीं बुलाया, उनको ये गम खा गया कि सजा तो मैंने भुगती और शिलान्यास पर तक नहीं बुलाया। और जो आज लोग अपने आप को राम मंदिर के वो कह रहे हैं कि हम ही सब कुछ हैं, उनको किसी का कोई योगदान नहीं है। पूर्व विधायक जमीरुल्ला ने हलाल ट्रेडमार्क को लेकर कहा कि ये दुनिया में पहली सरकार है जो हराम को तवज्जो दे रही है, हलाल को नहीं। इन शब्दों के अंदर हिंदू और मुसलमान तलाशा जा रहा है। अगर भाजपा की सरकार को हराम से फायदा हो रहा होता तो वो हराम को भी लागू कर देते। इनको वोट मिलना चाहिए, इनको ये नहीं मालूम कि हराम और हलाल होता क्या है, तो इस बारे में बहस करना बेकार है। ये तो सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं।